गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एलियंस में। आज ये वीडियो सेक्शंस अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो सीरीज ये है एक्चुअली। रीडिंग सेक्शन में एक एडवांस सेक्शन भी चल रहा है, वो बच्चे करें जिनको ये नॉवेल्स पढ़ने के आदी हैं। और ये वो सेक्शन है जो बिल्कुल बेसिक से है, और इसमें भी आपको टेंस की नॉलेज चाहिए होगी, जो बिना टेंस आप रीडिंग नहीं कर सकते। और रीडिंग ही इंग्लिश का सबसे स्ट्रांग पार्ट होता है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप बहुत इजीली रिटन क्लियर कर सकते हैं इंग्लिश का, राइट? अभी क्या होता है कि अपन को चीज़ें समझ में नहीं आती, क्वेश्चंस और पैसेज में अपनी स्पीड नहीं होती, तो जिससे क्या होता है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन नहीं कर पाते, क्योंकि अपनी स्पीड नहीं है या अपनी एक्यूरेसी नहीं है, रीडिंग सेक्शन अपना बहुत ज़्यादा कमजोर है। और इंग्लिश में आज की डेट में आप पैसेज या किसी रीडिंग सेक्शन को इग्नोर करके आप रिटन क्लियर करना बहुत टफ है। अगर आप रिटन क्लियर कर भी लेते हैं तो आगे चल के आपको जो फाइनल कट ऑफ आती है उसमें काफी इश्यूज आपको हो सकते हैं, राइट? तो ये बेसिक से है। और जो न्यूज़पेपर का सेक्शन मैं पढ़ रहा हूँ वो थोड़े एडवांस लेवल से है, क्योंकि एक नोवेल की लैंग्वेज काफी इजी होती है रीडर्स को समझने के लिए, और एक न्यूज़पेपर की लैंग्वेज थोड़ी उससे लेवल हाई रहता है। तो अगर आपका लेवल इजी से आपको स्टार्ट करना है, आप यहाँ से करिए। अगर आपको बेसिक स्ट्रांग है, नोवेल्स आपको इजिली समझ में आ जाती है, आप जो मैंने एडवांस सेक्शन बना रखा है जिसमें मैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप दोनों एंजॉय करना चाहें कोई इश्यू नहीं है, ओवरऑल आपके लिए बेनिफिट ही है, और दोनों सेक्शन आपको रीडिंग स्ट्रांग करेंगे, राइट? तो आप भी जब टाइम मिले आपको नॉवेल्स लगातार, और नॉवेल्स पढ़ना आपको जरूरी होना चाहिए, नॉवेल्स आपको मस्ट है जो रीडिंग करनी है, राइट? ये चेतन जो भगत हैं उनकी नॉवल है गर्ल इन रूम 105, ये उसकी पीडीएफ है, यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से उस पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अभी स्टोरी स्टार्ट होने से पहले जो चेतन भगत नोवल एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं उसके बारे में, एक्नॉलेजमेंट्स एंड अ नोट टू रीडर्स। एक्नॉलेजमेंट्स का मतलब होता है कि आप किसी बात को स्वीकार करते हैं, या जो जो राइटर है वो अपने रीडर्स को धन्यवाद देते हैं और ओवरऑल नोवल के बारे में हमें बताते हैं कि नोवल बनाने की जर्नी कैसे रही, किस किस ने उनकी मदद करी, तो उसके बारे में मेंशन किया जाता है, राइट? तो हाय ऑल, थैंक यू, सबको हाय ऑल कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं। ये वाला सेक्शन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, मैं थोड़ा इसको बोल्ड कर दूं ताकि आपको इजी रहे। राइट, थैंक यू। इन टाइम्स ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, जब इंस्टाग्राम का, फेसबुक और यूट्यूब का समय, इन टाइम्स ऑफ उनके समय में जब इन तीनों का बोलबाला है, यू डेफिनेटली डिजर्व थैंक्स फॉर पिकिंग अप अ बुक। पक्का आप डिजर्व करते हैं मेरा धन्यवाद, क्योंकि आप एक बुक को पिक कर रहे हैं। जब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का समय है, उस समय में भी अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपको मेरा धन्यवाद। यू डेफिनेटली डिजर्व, यू डेफिनेटली डिजर्व कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। और फोर कौन है यहाँ पे? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद इंग्लिश में एनजी फॉर्म आती है, जेरंड आते हैं। पिकिंग अप अ बुक एंड स्पेशली फॉर पिकिंग अप माई बुक, और खासकर धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप मेरी बुक पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये चीज थोड़ी पर्सनल हो गई। तो चेतन भगत यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के समय में आपको धन्यवाद दे रहे हैं अगर आप कोई नोवेल या किताब पढ़ते हैं, और खासकर धन्यवाद दे रहे हैं अगर आप उनकी किताब या कोई नोवेल पढ़ते हैं। नो बुक इज वन पर्सन एफर्ट अलोन, कोई भी किताब एक पर्सन की मेहनत या एफर्ट का नतीजा नहीं होता, रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है। फॉर दिस वन, इसके लिए भी, टू, इस किताब में भी, आई हैव मैनी टू थैंक, मेरे पास काफी लोग हैं जिनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस किताब की जो जर्नी में। माई रीडर्स हु कंटिन्यू टू सपोर्ट, मेरे रीडर्स जो कंटिन्यू मेरा सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हु कौन है? रीडर्स एंड मोटिवेट मी, और मुझे मोटिवेट करते हैं। रीडर्स एक से ज्यादा है तो कंटिन्यू फर्स्ट फॉर्म आई, मोटिवेट आया, भजन सिंपल है, अगर एक रीडर होता तो कंटिन्यूज आता और मोटिवेट्स आता। माई रीडर्स हु कंटिन्यू टू सपोर्ट, जो लगातार मुझे सपोर्ट करते हैं, एंड मोटिवेट मी विद देयर लव, और अपने प्यार के साथ मुझे मोटिवेट करते हैं। तो देयर किसके लिए लगा है? रीडर्स के लिए। देयर कौन है यहाँ पे? प्रोनाउन है, अपना सब्जेक्ट कौन है? रीडर है। इट कीप्स मी गोइंग, और यह चीज मुझे लगातार आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। इट कीप्स मी गोइंग कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। मेक्स मी कम आउट ऑफ माई लोज, और ये चीज मुझे डिप्रेशन, जब मेरा लेवल काफी डाउन होता है या मैं मोटिवेट नहीं हूँ, उस समय ये चीज मुझे मदद करती है, हेल्प करती है कि मैं उससे मोटिवेट हूं और उससे उभरू। मेक्स कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। एंड थिंक अप अ न्यू स्टोरीज टू टेल यू, और मैं नई स्टोरी सोचता हूँ आपको बताने के लिए। माई एडिटर, ये उनके एडिटर है। फ्रेंड, फ्रेंड भी है। फर्स्ट रीडर ऑफ ऑल माई बुक्स, और ये पहले रीडर होते हैं उनकी हर किताब के।
थैंक्स फॉर योर इनवेल्यूबल हेल्प, और तुम्हारी जो इम्पोर्टेंट हेल्प है, जो तुम्हारी इम्पोर्टेंट हेल्प है, उसके लिए धन्यवाद। दोज हु गेव पास सिंपल टेंस है, जिन्होंने भी दिए थे। गिव कौन है? पास सिंपल है। पास सिंपल का हेल्पिंग कौन होता है? डिड, लेकिन डिड पॉजिटिव लगता नहीं, सेकेंड फॉर्म आती है, तो गिव गेव गिवन। दोज हु गेव वेल्यूबल फीडबैक ऑन, वो भी जिन्होंने मुझे जरूरी फीडबैक दिए ऑन द मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? हाथ से लिखे हुए स्क्रिप्ट जो टाइप होती है, मतलब आप रफली जिसको लिखते हैं या टाइप करते हैं, जो फाइनल नहीं होते, जिस पर इसको पढ़ के काफ़ी फीडबैक है, उस पर चेंजेस किए जाते हैं। अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली था। ये सारे नाम हैं जिनको भी धन्यवाद है। थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड सजेशंस, उनकी हेल्प और सजेशंस के लिए धन्यवाद है। ये दोबारा नाम है, पर्सनली है, जो भी नाम है। ऑलराइट, फॉर फ्रेंडशिप एंड हेल्प इन सपोर्टिंग द बुक, और फ्रेंडशिप के लिए और सपोर्टिंग बुक के लिए। द एडिटर्स एट वेस्टलैंड्स फॉर ऑल देयर एफर्ट्स टू मेक द बुक बेटर। तो जो भी एडिटर्स है, देखिए एडिटर्स का दो क्यों लगा, क्योंकि जिस पब्लिकेशन में काम करते हैं वो स्पेसिफिक होके दो लगा, हम उनको नहीं जानते, पर जिन्होंने भी किताब में हेल्प करी, उस पब्लिकेशन में काम करते हैं स्पेसिफिक होके, तो एडिटर्स का आगे क्या लगा, दो। राइट, एफर्ट्स टू मेक द बुक बेटर, उनके एफर्ट्स के लिए, ताकि बुक एक अच्छी बुक बन पाई। टू द इंटायर मार्केटिंग, और टोटल कंप्लीट जो मार्केटिंग है, सेल्स एंड प्रोडक्शन टीम्स एट, जो भी अमेजोन में ये जो टीम है, इंटायर मार्केटिंग सेल्स प्रोडक्शन टीम, और वेस्टलैंड फॉर वर्किंग सो हार्ड ऑन द बुक, तो इन दोनों का धन्यवाद है कि उन्होंने उनके बुक पे काफी मेहनत करी। टू ऑल द ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज, जितने भी ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज या गर्ल्स है, हु पुट द बुक इन माई रीडर्स हैंड, हु पुट द बुक्स, और जिन्होंने ये बुक मेरे रीडर्स के हैंड तक पहुंचाई थी। पास सिंपल है, वो पुट पुट सेकेंड फॉर्म है। माई क्रिटिक्स, मेरे आलोचक भी, यू हेल्प मी इम्प्रूव एंड कीप मी हम्बल, तुम मुझे सुधार करने में हेल्प, क्योंकि कोई क्रिटिसाइज करता है तो डेफिनेटली अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो यू हेल्प मी इम्प्रूव, आप मेरी हेल्प करते हो इम्प्रूव में, एंड कीप मी हम्बल, और आप मुझे विनम्र रखते हो ताकि मेरे में कोई घमंड या इस टाइप की भावना आए। आई एम नॉट परफेक्ट, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, नाइदर एम आई ऑलवेज राइट, और ना ही मैं हमेशा सही हूँ। आई विल वर्क हार्डर एंड गेट बेटर, मैं मेहनत करूंगा ज्यादा और मैं ज्यादा अच्छा बनूंगा। आई विल वर्क, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस है। एंड दोज हु डोंट ऑलवेज एग्री विथ मी, वो लोग भी जो हमेशा मेरे साथ एग्री नहीं रहते हैं, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस एज वेल, मैं आपके जो ओपिनियंस है, आपके जो विचार है, मैं उनका भी रिस्पेक्ट करता हूँ। आई रिस्पेक्ट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। ऑल आई वुड से, मैं ये कहूंगा कि और डिफरेंसेस असाइड, हमारे जो डिफरेंसेस है सोच में या काम करने के तरीके में, उनको साइड में रखते हैं। लेट्स वर्क टू मेक पीपल रीड मोर, और कुछ ऐसा करते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़े। प्रेजेंट सिंपल है। इट्स इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। माई फैमिली अ पिलर ऑफ सपोर्ट इन माई लाइफ, और ये अपने फैमिली को धन्यवाद कर, फैमिली को धन्यवाद करें कि मदर रेखा भगत और इनकी वाइफ और चिल्ड्रन है। राइट, थैंक यू ऑल फॉर बींग देयर, सबका वहां होने के लिए धन्यवाद। वी सेलिब्रेट लव, हम लव को सेलिब्रेट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल है। बट समटाइम्स, कभी कभी, वी मस्ट अनलव टू, कभी कभी हमें किसी चीज को पसंद नहीं भी करना चाहिए। विद डैट, इसके साथ, इट इज टाइम टू मीट द गर्ल इन रूम 105। चलिए, तो ये समय है जो गर्ल है 105 में उससे मिलने का। तो ओवरऑल ये रीडिंग सेक्शन, ये तो एक्नोलेजमेंट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपन नोवेल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे।